नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच मैं आज जो है कि बहुत ही बड़ा न्यूज आप सभी के बीच लेकर के आया हूं। एक लंबे इंतजार के बाद रेलवे द्वारा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिस आप सभी के बीच मैं साझा करने जा रहा हूं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वैकेंसीज बहुत कम है और एक लंबे अरसे के बाद इसको लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और यहां पर आप देख सकते हैं टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 9000 है, ओनली 9000। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फाइट होने वाला है आप सभी के बीच। यहां पर पहला पॉइंट पढ़िए, क्योंकि ये पॉइंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर वन कहता है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज फरवरी 2024। इसको कब पब्लिश किया गया है? फरवरी 2024 में, है ना। फिर नेक्स्ट कहता है, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल 2024। मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाल सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं मार्च से अप्रैल के बीच में 2024 का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको मालूम ही है कि ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा आपका। टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024, मतलब अक्टूबर दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, सीबीटी एग्जाम हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि बहुत बच्चे ऐसे भी है हमारे भारतवर्ष में जो सीबीटी एग्जाम पहली बार देंगे या उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनको कहना ये चाहूंगा कि आप कंप्यूटर पर साइबर कैफे वगैरह में जाकर के अपना एक्सपीरियंस को बना लीजिए। फिर क्या कहता है जरा समझिएगा, शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन फरवरी 2025। मतलब आप इस फॉर्म को भरेंगे कब? आप इस फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन मार्च अप्रैल के बीच में, और कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होगा अक्टूबर दिसंबर के बीच में, और आपका नाम शॉर्टलिस्ट कराया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2025 फेब के महीने में, मतलब अगले साल। फिर क्या कहता है, प्लीज नोट द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान फॉर इशू इन अप्रैल 2025। मतलब फिर से जब एग्जाम जो होगा वो 2025 में इसको क्या किया जाएगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए रिलीज किया जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, और एक आप सभी के बीच में एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण न्यूज लेकर के आया हूं, जो कि मैं इसी वीडियो सेशन में कंप्लीट करना चाहूंगा। पहली बार, जी हां, ये रेलवे के इतिहास में पहली बार रेलवे ने क्या किया है, एनुअल कैलेंडर जारी किया है आरआरबी। देखिए लिखा हुआ है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। मैं कोई भी अपने से यहां पर बना चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है, और जो बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए ये सभी को डील कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि इश्यू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो जारी होती है वो किस प्रकार से जारी होगी, ये किस प्रकार से एग्जाम वगैरह लेंगे, उसके बारे में यहां पर बातें कही गई है। पीरियड जनवरी से मार्च महीने में अब हर बार हर एक साल कैटेगरी एएलपी का एग्जाम हो जाएगा। फिर अप्रैल से जून महीना के बीच में टेक्नीशियन का एग्जाम हो जाएगा। जुलाई से सितंबर के बीच में नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी जैसे ग्रेजुएट लेवल में लेवल 4 होता है, लेवल 5 होता है, लेवल 6 होता है, इसके एग्जाम होंगे। फिर क्या कहता है, जुलाई सितंबर के बीच में ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और लेवल 3 का एग्जाम भी होगा। फिर कहता है जूनियर इंजीनियर के लिए भी एग्जाम होगा जुलाई सितंबर के बीच में। फिर कहता है कि पारा मेडिकल कैटेगरीज के लिए भी होगा, है ना, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, है ना, फिर एएनएम जीएनएम जो डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होती है, रेलवे को भी अपना भाई डॉक्टर चाहिए होता है, रेलवे को भी अपना सिस्टर चाहिए होता है, जो कि रेलवे में भी तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उसके लिए पारामेडिकल कैटेगरीज।
तो डॉक्टर्स के नहीं होंगे, पैरामेडिकल करेंगे जो एएनएम जीएनएम करते हैं वगैरह वगैरह। अक्टूबर दिसंबर के बीच में, अच्छा इस पैरामेडिकल में कंपाउंडर भी आ जाता है, अक्टूबर दिसंबर के बीच में लेवल वन का एग्जाम होगा और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, ठीक है ना, मतलब जो बहुत ही आप कह सकते हैं हायर रैंक वाला जो एग्जाम होता है आइसोलेटेड कैटेगरीज की, है ना, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, उसमें जो है कि एग्जाम अक्टूबर दिसंबर महीने के बीच में होने की संभावना है। तो यहां पर आपने ये सब न्यूज देखा और यहां पर जो है कि आरआरबी के द्वारा ये भी नोटिस जारी किया गया है, जरा सावधान रहिएगा, बीवर ऑफ टॉट्स ब्रोकर्स एंड जॉब रैकेटर्स, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा लेकर के आपको वायदा करते हैं कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, तो ये इन सभी से जो है कि आप बच के रहिए, आप अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए और एग्जाम को स्वयं क्रैक कीजिए। चलिए ये सब जानकारी मैंने आपको आप सभी के साथ साझा किया, आपको कैसा लगा आप लोग जो है कि कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बता सकते हैं, और भी अगर जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और चलिए अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन का जानकारी पहुंचे, मिले। धन्यवाद।